brilliant writer, director, an actor. I welcome Saurabh Shukla ji, master director and a great filmmaker, writer Sudhir Mishra. एक समय होता है जब आप when everybody decides कि मुझे किस विधा में जाना है या किस प्रोफेशन में जाना है, चाहे जो भी प्रोफेशन हो, वो एक्चुअली बचपन में तो बोल दिया जाता है, क्योंकि जो आप सुनते रहते हैं वो आप बोलते रहते हैं, तो ज्यादातर बच्चे यही कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या आजकल फिल्म स्टार या क्रिकेटर बनना चाहता हूँ. When did you decide that you want to make films? Approximately. वो क्या होगा, बंबई में एक लफ्ज है डेढ़शाना, वो बाद में आप सब ऐसा लगता है कि आपने डिसाइड किया था, बट देयर लाइफ इज अबाउट अ काइंड ऑफ एक्सीडेंट. मैं विनोद दुआ, एक मेरा बड़ा सीनियर था दोस्त दिल्ली में, वो एक युव मंच नाम का एक प्रोग्राम करता था दिल्ली दूरदर्शन के लिए. तो एक दिन उसने मुझे फोन किया, बोला मैं थिएटर कर रहा था, उसने बोला यार विनोद चोपड़ा नाम का एक आदमी है, तू सिनेमा उनमा बहुत दिखता है, तो तू सवाल पूछ ले उससे. मुझे कुछ दो गेस्ट हैं, एक कपिल देव है, एक विनोद चोपड़ा है. तो दो सवाल पूछ, तो मैं आया, विनोद था, विनोद से बात हुई. विनोद की जो फिल्म थी पहली, जो लोगों को पता है कि नहीं, इनकाउंटर विद फेसेस डॉक्यूमेंट्री थी एक बनाई थी, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी. तो उसके बाद वो थोड़ा, विनोद तो हमेशा ही थोड़ा वैसे ही था पहले से, उसको लगता था और कोई है नहीं, मैं हूँ. Which is the interesting thing about Vinod. So वो उसने मुझे बोला तू आया, ऐसी सीधा बता एक 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद कि तू आया, मैंने क्या करूँगा, बोला घूम पकड़ना सीख ले. तो मैंने सीख लेता हूँ, और मैं ऐसे ही उठ के चला है. Okay. और वो वहां पे कुंदन शाह था, तब वो एक जमाने में वो जो आर्ट फिल्म नुमा जिसको कहते थे, पैरेलल सिनेमा कहते थे जिसको, वो क्यों बन रहा था वही नहीं समझ में आ रहा था, हम क्यों आए थे वही नहीं समझ में आ रहा था, ना टेलीविजन था, ना हम ये करना चाहते थे, तो क्यों आए थे पागल से. तो आपस में लोग एक दूसरे को नौकरियां देने लगते, तो विनोद की फिल्म पास हो गई, तो उसने कुंदन शाह को प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया, कुछ पैसे वैसे मिल गया, वहां कुंदन शाह मिल गया जो प्रोडक्शन था, मैं सजाए मौत फिल्म का नाम था, तो वैसे ही वो 3.5 लाख में फिल्म बन गई, वहां कुंदन बैठा हुआ था. अब कुंदन जो है उसकी बीवी जो कह रही थी उससे कि तुमको लंदन जाना पड़ेगा क्लार्क बनने के लिए बेकरी. अच्छा. क्योंकि ये क्या कर रहे हैं यार, फिल्म में मैं बना रहा. तो फिर उस वो मेरे घर, मैं सायन कोलीवाला पीछे रहता था, वो सायन में रहता था, हम लोग 5-6 लोग एक घर में रहते थे, जमीन पर सोते थे, तो वो हमारे घर पे आ जाता था देखने के लिए, क्योंकि बीवी डांटती थी घर में. तो मैंने कहा क्या कर रहा, उसने कहा जाने के घर, वो कुछ उसका नाम तब जाने के घर नहीं था, कहानी लिख रहा, तो मैं भी बैठ के उसके साथ देखने लगा. तो ऐसे ही कुछ हो गया, ऐसे ही कुछ मजे कर रहे थे, ऐसे ही कुछ एक फिल्म कल्ट फिल्म हो गई. उसमें इस तरह के लोग जुड़ गए, सतीश भी था वहां पे तब, तो सतीश ने अभी यहाँ पे, अब सतीश और संजीत ने डायलॉग लिखे. वो भी डिवीजन जो है वो आर्टिफिशियल है. हाँ. कि ये जो डिवीजन है कि इसने स्क्रीन प्ले लिखा, उसने डायलॉग लिखे, ये एक्चुअली सतीश ने भी उतने स्क्रीन प्ले लिखा, वो क्या था वो पता नहीं है. वो ऐसी कुछ बात करते करते और ऐसी कुछ बनते बनते वो फिल्म बन गई. मतलब किसी ने कहा कि बम दम आलू, तो सतीश ने कहा बम आलू. वो जो सीन्स थे वो सतीश का और नसीर का, वो उसमें एक कमरे में फोन एक्सचेंज हो जाता है, तो नसीर चिल्ला रहा था कि ऐसे कैसे फोन गिर जाएगा, फोन गिरता है वो भाग गया. तो अब वो ऐसे उसमें, लेकिन उस कंफ्यूजन में कोई फिल्म नहीं सोना छोड़ना चाह रहा, शायद इसलिए क्योंकि किसी पास और कोई काम ही नहीं था. तो शाम को कम से कम आलू गोभी मिलती थी, रात को गोभी आलू मिलता था, बीच में चाय मिलती थी, तो इसलिए कोई छोड़ ही नहीं जा रहा था. सब एक कह रहे थे क्या पिक्चर बन रही है, सारे एक्टर बोल रहे थे क्या है, कोई ऐसी पिक्चर, क्योंकि तब 8 फिल्म होती थी शाम में निकलती थी, सीरियस फिल्म होती थी, ये क्या है इसको, कोई फिल्म है, हाथ पैर गिर रहा है कोई, कोई रात को अंधेरा है, कोई ट्यूबलाइट हो रही है, कोई नीना गुप्ता की आवाज आ रही है, क्या दबा ये क्या हो रहा है. तो ये जो सब चीज थी उसके बीच में वो महाभारत का सीन है, उसमें डेड बॉडी है, वो एक्सप्रेशन बदल रही है,
अब वो डेड बॉडी क्यों एक्सप्रेशन बदल गई थी, वो इसलिए क्योंकि रेलिन सलूजा जी वो स्टेज उसमें थी, शूटिंग पे थी, तो उस उन लोगों को ओमपुरी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि ओमपुरी लास्ट मिनट आया था, इनफैक्ट लास्ट मिनट आया था, क्योंकि जो बाद में एक बड़े सीरियल में विनोद नागपाल थे उन्होंने लास्ट मिनट मना कर दिया, अच्छा मैं नहीं करूंगा, तो हम और कुंदन भागे भागे गए, तो बांद्रा स्टेशन पे ओमपुरी टिकट खरीद रहे थे, तो उनको बोला तू फिल्म करेगा तो चलते चलते उन्होंने हाँ कर दी, क्योंकि उनके पास भी ऐसे कुछ करने को चाहिए, और वो क्लासिक हो गया, तो रेणु को अगर वो लगा कि ये जो जो सीन हो रहा है जल्दी जल्दी में उसमें इंटरकट क्या होगा, तो वो सतीश शाह का शॉट लेने लगे, डेड बॉडी का कोई रिएक्शन होता है क्या, तो डेड बॉडी का रिएक्शन शॉट लेने लगे, अब वो सतीश शाह था वो थोड़ा रिदम में था कुंदन के साथ, अकेला वो उसने बोंगा की थी उसकी जो फिल्म थी, अच्छा तो वो फिल्म जो थी वो उसने क्योंकि की थी तो वो समझने लगा, तो उसको कुछ करने को नहीं, अब ये रेणु कुंदन और सतीश ये सारे क्लासमेट्स हैं ओम इंस्टीट्यूट में, तो अपना हर शॉट में एक्सप्रेशन बदलने लगा, तो डेड बॉडी का देखो एक्सप्रेशन बदलता है, अब उसने फिर कंटिन्यू किया पूरे महाभारत सीन तक, तो क्या करे जो एक्सप्रेशन बदला, वो उस इम्प्रोवाइजेशन में उस स्पिरिट में वो कुंदन की मैडनेस में वो सारे लोगों की मैडनेस में है ना, एक नसीर के चिल्लाने में और गुस्से में पर भी पैशन में भी साथ में जोड़ने के, वो एंड में ओमपुरी साहब ने बोला मुझसे यार स्क्रिप्ट तो बड़ी अच्छी है लास्ट सीन के तो इसमें मतलब वो कभी कभी बट सब लोग इतने टैलेंटेड थे, अब उसमें मतलब विनोद प्रधान कैमरामैन, रेणु सलूजा एडिटर, कुंदन शाह डायरेक्टर, ये जो राइटर्स हम लोग जो सब थे उनको छोड़ दो, एक्टर्स नसीर थे, ओमपुरी था, रवि पासवानी थे, पंकज कपूर थे, इवन छोटे छोटे रोल में राजेश पुरी था उसके बारे में भूल रहे आप लोग सब लोग, क्योंकि वो बहुत अच्छे सारे टैलेंटेड, दीना गुप्ता, भक्ति बर्वे ग्रेट एक्ट्रेस, मतलब प्रॉब्ली द बेस्ट थिएटर एक्ट्रेस मराठी थिएटर एवर सीन, वो सारे लोगों को मिल के उस जो टैलेंट का एक जमघट हुआ उसमें फिल्म बन गई, और उसमें मैं फिल्म बनाना सीख गया, अच्छा बिकॉज दैट वॉज माई स्कूल, एक छोटा सा डेविएशन लेते हैं यहाँ पर, जाने भी दो यार, was a huge success. When it came, it became the industry did not accept it. Now, industry has not accepted a lot of films, a number of films, which were accepted by the audience, actually. ये बहुत सारे example हैं. लेकिन इसमें बहुत clear example है, जाने भी दो यारों. तो जाने भी दो यारों was a theater owner है, उदय कौशिक, प्रिया सिनेमा चलाते हैं दिल्ली में, पहाड़गंज में. उनसे बात करिए, वो बताएंगे कि 56 हफ्ते मॉर्निंग शो में जाने के बाद वहां चली थी शीला, तो व्हेन इट बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म, तो ये जितने जितने टैलेंटेड लोग थे, यहां तक कि जैसा तुमने मुझे बताया था एक बार कि द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ जाने भी दो यारों वाज हू, विनोद चोपड़ा. विनोद चोपड़ा वो इसलिए क्योंकि वो एनएफडीसी में जो थे उनको कुंदन बेचारा संभाल नहीं पाता, बार बार निकाल देते थे, तो विनोद कुंदन जो है वो छाता लेके चलता था, नोटबुक लेके चलता था, कोई सीरियसली नहीं लेता था उसको, तो हमने विनोद को इसलिए रखा था कि यार हम लोगों को फिल्म बनाने दो तो संभाले तो कोई उन लोगों को, वो संभालता था, तो मुझे उसकी बगैर वो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन था, उसके बगैर फिल्म बनती थी. तो जैसा मुझे जब मैं कॉलेज में था, मेरे खास कॉलेज में ही था, फर्स्ट ईयर में था जब ये फिल्म आई थी, उस वक्त से लेके आज तक ऐसा होता है कि जब भी कोई फिल्म आती है जो कि एक अलग तरह की फिल्म होती है, इट ब्रेक्स अ ग्राउंड, सो अब थोड़ा सिनिकल हो जाता है आदमी समय देखते देखते, लेकिन हमेशा लगता है कि नाउ द फेस ऑफ सिनेमा विल चेंज, नाउ द ट्रेंड विल चेंज, नाउ एवरीथिंग विल चेंज, दो इट डज नॉट हैपन दैट वे, ऐसा नहीं है कि एक फिल्म आती है वो सब कुछ. तो जाने भी दो यारों जब आई थी तो अचानक हम लोगों को ऐसा लगा था कि अब जो है हिंदुस्तान में
वो अलग तरह की फिल्में बनने लगेंगी एंड दे विल बिकम ह्यूज हिट्स लाइक व्हाटएवर इज अ हिट टुडे इटसेल्फ. सो ये सब होने के बावजूद आई एम श्योर कि जितने ये जितने टैलेंटेड लोग थे ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया. डिड यू ऑल स्टार्ट एनी मूवमेंट आफ्टर दैट? डिड यू थिंक ऑफ गोइंग अहेड एंड मेकिंग मोर फिल्म्स लाइक दैट? डिड यू ट्राई दैट एंड वाज देयर एनीबॉडी टू सपोर्ट यू मॉनेटरीली? इंडिपेंडेंट लोगों सारे प्रॉब्लम उनकी इंडिपेंडेंस ही होती है. तो वो क्या प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आपस में ही नहीं एग्री करते. हम लोग आपस में बेवकूफी के झगड़े करते रहते हैं, फलां की फिल्म अच्छी नहीं है, उसमें यार वो बात नहीं थी, हम पॉलिटिकल ज्यादा है. अरे भाई छोड़ दो यार, पॉपुलर लोग तो सबको मालूम है, धंधा कर रहे हैं, सब आपस में खुश हैं एक दूसरे के. हम लोग झगड़ा करते रहते हैं ना. ध्यान से सुनिएगा इस बात को. देखिए हम लोग क्या है, वी शुड नॉट प्रॉब्लम विद टू इंटेलिजेंट सॉर्ट ऑफ पीपल हु थिंक अबाउट देमसेल्व्स इन दिस वे इज दैट दे टेक ऑन द मेंटल ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो. भाई मैं कौन हूं ये डिसाइड करने वाला कि कौन सी फिल्म का क्या महत्व है? वो तो वक्त डिसाइड करेगा ना कि आज कागज के फूल है बड़ी फिल्म की नहीं, चाहे उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था या कान फेस्टिवल में नहीं गई थी या नेशनल अवार्ड मिला था कि नहीं, वो इरेलेवेंट है कागज के फूल में या प्यासा में, क्योंकि वो उन अवार्ड से ही बड़ी है ना. करेक्ट. तो वक्त ही तो एक है जो डिसाइड करेगा कि पाथेर पंचारी बड़ी फिल्म है कि 56 में जो दूसरी कमर्शियल हिट थी वो बड़ी फिल्म है. हो सकता है जैसे वक्त डिसाइड करता है कि अमर अकबर एंटनी बड़ी फिल्म है. वो भी ऐसा नहीं कि पॉपुलर सिनेमा में कुछ अच्छा ही नहीं होता, कुछ भी अच्छा हो सकता है. दैट्स द मैजिक ऑफ इट ऑल. वो बनाने वाला होना चाहिए, वो नियत कुछ उसमें जो एक आदमी अड़ा होना चाहिए, उसका कोई एक विजन होना चाहिए, साथ में कुछ लोग उस एग्री करने चाहिए, सबको आपस में कुछ मजा आना चाहिए. एक्टरों को मजा आए या ना आए वो इरेलेवेंट है. बिकॉज दो फिल्म एक्टर को बहुत पसंद आई होती है शूटिंग में, तो अक्सर गड़बड़ होती है. बोले यार बड़े आराम की शूटिंग थी. मैं एक ट्रॉली लगा था और अच्छा डायरेक्टर है यार, कहीं पर भी शूटिंग करने वो एक्टर को थोड़ी तकलीफ और गाली दे. आप देखिएगा जिस दौरान गाली दे रहा है ना एक्टर किसी डायरेक्टर को फिल्म को, वो फिल्म अक्सर अच्छी होती है. बट बहरहाल इस तरह से कोई अच्छी फिल्म बन जाती है. देयर इज नो रूल कि कहीं पे भी एक गॉडफादर पॉपुलर फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, गोदार्ड की फिल्म अच्छी फिल्म है, कोई भी फिल्म अच्छी हो सकती है. वो तो एक्सीडेंट है. दैट्स यू कांट री डिसाइड दैट काइंड ऑफ थिंग. इट्स अ combination of too many things. So that means the success of Jaane Bina Yaaro was no guarantee after that, or it did not. Nobody asked Satish is here, we are all here. Nobody ever attempted to make a Jaane Bina Yaaro because we kind of secretly, I think, understood that ये कुछ combination में कुछ हो गया. अब इसके बाद इसको try करोगे अकेले तो वो गड़बड़ होगा. Okay. तो वो बड़ा, you know, so everybody went in their own ways. I made different films. Yes. I mean, there is a big influence if you look secretly, if you look deeply, then Jaane Bina Yaaro is very influential in my cinema. Okay. The spirit of it, not the overall, bahar ka jo farcical uska andaaz hai, wo andaaze bayaan mein nahi hai shayad influential. Lekin aap agar hazaron ka last scene dekhoge, uski absurdity, aur aap Jaane Bina Yaaro dekhoge, to aapko uska asar dikhega. आप अगर अगर आप देखोगे, लेकिन अंदाजे बया हम सबका अलग अलग है और वो बहुत थोड़ा सा मुश्किल फॉर्म है जाने में, और उसको निभाना एंड तक इतने टैलेंटेड लोगों का साथ में होना और साथ में निभाना वो थोड़ा होता कम है. होगा जरूर, यंग लोग कुछ करेंगे.